What's going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आपका Frost भाई आज लेके आया है एक दूसरी टाइप की मेगा रैम. मतलब guys, ये हमेशा के जैसा सेम नहीं होने वाला है यार. आज थोड़ा सा अपन लोग डिफरेंट मेगा रैम ट्राई करेंगे. एंड ये चौप भाई मेरे से हमेशा आगे निकल जाता है. भाई मिलते हैं अगले वीडियो में. भाई अब तो यार मेरे को पकड़ ही नहीं पाओगे आप. अच्छा ऐसा क्या? रुको भाई, अभी तुम्हें पीछे करके दिखाते हैं. अरे भाई 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 ये मेगा रैम गाइज बाकी मेगा रैम के जैसा बिल्कुल नहीं है. इसमें आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर झेलने को मिलेगा अगर आपने अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं की. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी गाड़ी ऑलरेडी अनकंट्रोल हो चुकी है. अरे रुक जा भाई, कहाँ निकल गया तेरा? हो गया क्या? तो भाई आपने बोलकर नजर लगा दिया, मर गया मैं. हाँ, मेरे को गिरती हुई दिखी भाई तेरी गाड़ी. वेल टू बैड फॉर यू माई फ्रेंड, क्योंकि हमारा यहाँ पे कम्प्लीट होने वाला है. अरे नहीं 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 नहीं, ओपे अबे गिरता तो समझ में भी आता है यार, जैसे बोला कम्प्लीट होने वाला फोड़ दिया इन लोगों ने. तो भाई ये जीटीओ वाले लगता आपको आज जितना नहीं देंगे फ्रॉस्ट भाई. अरे ऐसे कैसे नहीं जितने देंगे भाई, इनके मर्जी से थोड़ी चलता हूँ मैं. ये आप उन लोग की मर्जी से चलते हैं भाई. अभी देखो तुम कैसे जीतता हूँ मैं. गाइस देख रहे हो, ये भाई इसका रोज का हो गया है. हर रेस में अपने को चैलेंज कर देता है. एंड उसके बाद इसके बैंड में आए थे अपन लोग, तो भाई इसकी हालत खराब हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी सुधरता नहीं है. चैलेंज फिर भी करेगा हर वीडियो में. तो भाई बिना चैलेंज के जिंदगी में मजा नहीं और GTA 5 में भी नहीं. अरे 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 देख तेरे चक्कर में क्या हो गया भाई. कितना अच्छा भला भात की जा रहा था मैं अपनी गाड़ी लेके स्लोली स्लोली, और गाइस इस नूबड़े के चक्कर में हमारी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. लेकिन आई स्वेयर इस बार अपन लोग मरेंगे भी नहीं और गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि गाइस मैंने अपनी गाड़ी की कंट्रोल दोबारा हासिल कर ली है. फर्स्ट भाई अनलाइक यू, मेरी गाड़ी अभी भी बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबली नाच रही है फर्स्ट भाई. अरे कर लोगे दोस्त, भरोसा रखो खुद के ऊपर और अपनी गाड़ी के ऊपर भी. और अबे सही में बहुत अनकंट्रोलेबली आ रहा है. ओके मेरे को सामने देखना होगा, नहीं तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा गाइस हमारा. ये देखो बोला था ना मैंने, ये इतने नूब है भाई, प्लेटफॉर्म के नीचे स्पॉन कर रहे हैं. अरे अरे प्लेन फूटा. ओए तेरा हो गया ये, हट तेरी ऐसी की तैसी. फर्स्ट भाई आप उनको नहीं हिला पाओगे. अरे आपका प्लेन से धुआं निकल रहा है फर्स्ट भाई. अरे सही में धुआं निकल रहा है. अरे इस नूबड़े के चक्कर में गाइस प्लेन डैमेज करवा लिया मैंने. डैमेट अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? फर्स्ट भाई जैसे सब कोई जाते आराम से जाओ भाई, बहुत स्लोली स्लोली जा रहे हो. अरे फिर ठोक दिया फर्स्ट भाई. अरे यार ये प्लेन नहीं है भाई, पकौड़ा है, ढंग से उड़ता ही नहीं हवा में. और इतना स्लो जा रहा हूँ, चौप आगे निकल जाएगा. रुको 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 स्पीड, कम ऑन. अबे मेरी इज्जत से धुआं निकल रहा है इसलिए मैं इतना पीछे हो गया. गाइस अभी भी हम लोगों के लिए उम्मीद बाकी है. अबे रुक, वापस आ भाई. भाई कल आना, भाई कल आना, आपसे नहीं हो पाएगा. अरे देख रहा हूँ मजाक उड़ाते हुए चला गया भाई. लेकिन गाइस मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला हूँ. ना 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 ना, आप लोगों को लगेगा फ्रॉस्ट भाई यहाँ पर अगर रिस्पॉन्ड कर ले तो उनके लिए काम आसान हो जाएगा. वेल ऐसा नहीं, अगर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ना तो मेरा उल्टा ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा. तो गाइस आई हैव डिसाइडेड नो रिस्पॉन्ड फॉर मी. ऑलराइट गाइस, यहाँ पर तुम्हारे बाइक को मिल चुकी है बैटमोबाइल. एंड बैटमोबाइल में लगे हुए हैं सुपर रॉकेट. ओए तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? फ्रॉस्ट भाई आपके साथ जाना है भाई, मेरे को मजा आएगा भाई. ओहो देख रहे हो, बीच रास्ते में सैबोटेज करना चाहता है हम लोगों को. ये धक्का वक्का दे के भाई आगे निकलना चाहता है, चीटिंग कर रहा है छोरे. वेल मैं इतना तेजी से जाऊंगा तू पकड़ ही नहीं पाएगा. तो भाई मैं आप तो भी तेजी से जाऊंगा भाई. अरे भाई ये गाड़ी अनकंट्रोल हो गई. अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, फूट मत जाइयो भाई. जिस हिसाब से ये जा रही है, और शिट गलत समय पे दब गया भाई. मैं क्या घोचड़ू भाई, मेरे को लगा हो जाएगा गाइस, लेकिन इट सीम्स लाइक मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से गलत था एंड हमारी गाड़ी निकल गई दूसरे डायरेक्शन में. वेल कोई बात नहीं गाइस, तुम्हारा फ्रॉस्टी भाई के पास एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी, और वो है इधर से जाओ. क्या ये इधर से जाने वाली स्ट्रेटजी काम करेगी? प्लीज लैंड के ऊपर कर जा, आई मीन रैंप के ऊपर लैंड कर जा. कम ऑन कम ऑन. तो भाई मेरा हो गया भाई, आप तो कहीं पे भी कमॉन करना शुरू कर देते हो भाई. अरे इसका कैसे हो गया भाई? अपन लोग भी करेंगे, लेट्स गो गाइस. गाड़ी फुल स्पीड में है, आराम से. ओ भाई मारना चाहता था मेरे को, खुद ही फूट गया नूबड़ा. तो भाई ये कैसे हो गया? मैं तो भाई एकदम चील के जैसा निशाना फिक्स करके आ रहा था भाई, आपने फिर भी डॉज कर लिया मेरे को. दोस्त अपन को यार 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, तुम क्या घंटा पकड़ पाओगे? चल भाई यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, एंड लेट्स गो. ओके तो फिर से हम लोग बन चुके हैं यहाँ पे सुपर फास्ट हाइपर जेट. एंड क्या गाइस ये हमारी हाइपर जेट हम लोगों को उतनी हाइपर स्पीड से ले जा पाएगी जितने हाइपर स्पीड से चौप ने हमें धोखा दिया है? आइए वो अभी पता लगाते हैं. और ये देखो फर्स्ट पर्सन में काफी मस्त है यार ये फाइटर जेट. अभी मैंने नोटिस किया गाइस, जस्ट लुक एट इट, कितना ब्यूटीफुल नजारा रहता है कॉकपिट के अंदर से. लेकिन देखो फर्स्ट पर्सन का भी टाइम नहीं है भाई, क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन के चक्कर में प्लेन ठुक गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? ये चौप तो भाई बिल भरने आएगा नहीं, तो अपने को ही डील करना पड़ेगा. अरे यार ये प्लेन का स्पीड इतना स्लो कैसे हो गया? तो भाई आप देखो भाई मेरे सामने चीटिंग करने की कोशिश ना करो, मैं जानता हूँ आप उल्लू बनाकर मेरे को रुकवाना चाहते हो, इसलिए मैं पहले ही रुक जाऊँ आपके लिए. कहीं फिर से तुम वही स्ट्रेटेजी तो नहीं अपना रहे हो? गाइज ये बंदा बहुत तेज है, ये कुछ ऐसा दिमाग लगा रहा है ना जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है. पिछले बार भी इसने हमें आगे जाने दिया एंड अपन लोग मर गए, लेकिन इसका हो गया. ये देखो ये चीटिंग करना चाहता था तू. बाय बाय बाय, कैसा लगा मेरा धोखा? लेकिन दोस्त मैं तो सीधा हो गया, तू अभी भी वैसे ही जा रहा है. आई थिंक तूने खुद को धोखा दे दिया भाई मेरे से ज्यादा. भाई ये कैसा हो गया? मेरी गाड़ी अभी भी बहुत ही अनकंट्रोलेबली नीचे जा रही है फ्रॉस्ट भाई, बचा लो, लगता है धोखा मेरे पे ही भारी पड़ गया. अरे भाई मैं क्या बचाऊं, मेरा देखो ना हालात, ये गाड़ी को चाहे कितना भी ब्रेक मार लो फिर भी जा
आना तो नीचे ही है। ये देखो ये भी गिर गया। भाई बोल रहा हूँ तेरा जो भी स्ट्रेटेजी तू लगाने की कोशिश कर रहा है ना मेरे को आगे भेज के, वो काम नहीं करने वाली है ब्रो। इसलिए आई सजेस्ट यू टू गिव अप कर दे। एंड अपन लोग भाई बहुत हो गया, आई एम सिक ऑफ दिस रैंप। अपन लोग साइड से ही जाएंगे। ओह वॉटर लैंडिंग, क्या हम लोग भाई इस बार कंप्लीट कर लेंगे? अगर मैं इस बार कंप्लीट कर लिया ना गाइस मजा आ जाएगा। ओ नो 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 नो, मरियो मत मरियो मत मरियो मत, अरे नहीं। ओ नहीं अभी भी उम्मीद बाकी है। नहीं अब घंटा बाकी नहीं, अब मैं मरने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, बहुत ही ज्यादा स्लो टेक्निक से अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या है कि भाई यही टेक्निक सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। जल्दी तो कंप्लीट नहीं होगा लेकिन आपका काम हो जाएगा सर। जल्दी का काम वैसे भी गड़बड़ी का होता है। तो भाई यार मैं जल्दी के चक्कर में 5 बार मर गया भाई, और आप 5 बार में यार एक बार करके चले गए फॉक्ट भाई। देखा इसीलिए बोलता हूँ मैं इंतजार करके किया कर। ये देखो अब ये भी स्लो लो आ रहा है भाई। अपन लोग लेकिन आगे पहुंच चुका है गाइस। मैंने बोला था ना ये नूबड़ा चाहे कितना भी आगे चले जाए इसको आया ही नहीं। लाइक किसी ने सिखाया नहीं कि सक्सेस को मेंटेन कैसे करते हैं। फर्स्ट प्लेस बरकरार रखना फर्स्ट प्लेस हासिल करने से ज्यादा मुश्किल चीज है गाइस। और जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आप जीटीए की सारी रेसेस जीत जाओगे। ऑलराइट बहुत ज्यादा हो गया डायलॉग बाजी, अभी रेस पे फोकस कर लेते हैं नहीं तो निकल जाएंगे चौप बाजी आगे। ऑलराइट देवी और सज्जनो, तो एक बार और हमें बैट मोबाइल मिल चुकी है। तो ये बैट मोबाइल भाई वर्जन 2 है, ठीक है। वो वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 है। और इसमें अपन लोग फिर से बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पिछले बार जैसी गलती अपन लोग नहीं करने वाले हैं। इस बार बूस्टर में हवा में नहीं दूंगा, अपन लोग बूस्टर तब देंगे जब रैंप के कॉन्टेक्ट में होंगे। देखा ये होता है एक परफेक्ट बूस्टर। एंड गाड़ी क्या हो गई भाई, ये ऐसे क्यों जा रही है शुरिकेन की जैसी? अरे 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 कोई कंट्रोल करो भाई उसको, ये ऐसे नहीं जानी चाहिए। एक सेकंड रुक जा भाई, कहां जा रही है? अबे अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आई वोंट अलाउ दिस, प्लीज 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 भाई प्लीज रुक जा। ओ रुक गई। गाइस ये होता है चमत्कार को नमस्कार भाई। अबे कहीं गड्ढे में ना गिर जाइए, प्लीज मत गिरियो। ओ बच गया। ओए चौप मेरे से पहले कैसे पहुंच गया तू? तो भाई उसको कहते हैं दिमाग लगाना भाई, आप मेरे से आगे निकले मैं आपके आगे निकल गया। अरे यार ये दूसरी बार है भाई इस रेस में ये हम लोगों को पीछे कर रहा है। गाइस मैं बोल रहा हूँ ये प्रोनेस के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। मतलब यार अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करूंगा ना गाइस तो ये इतना आगे निकल जाएगा हम लोगों से रेस में कि अपन लोग कैचअप भी नहीं कर पाएंगे। देख रहे हो मैं बस 4 सेकंड लाइक इससे पीछे हूँ भाई, लेकिन फिर भी ये बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले वाला चॉप कहां गया गाइस? ये बंदा तो सुपर डुपर प्रो निकला। फर्स्ट बाइक ये देखो भाई, इस बार बाइक दिया इन लोगों ने, आप तो पहले कंप्लीट करके दिखाऊंगा, एक बार भी करके दिखाऊंगा फर्स्ट बाइक। अरे बाइक से तो एक बच्चा भी एक बार में कर सकता है भाई, इतना तो मेरे को ही पता है। गाइस बाइक का पॉइंट यही होता है कि आपको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराते हैं मेगा रैम्स। ये देखो एकदम फुल स्पीड में, देखना इतना तेज भाई फाइटर जेट नहीं चलते जितनी तेज हमारी बाइक जाएगी। आर यू रेडी? लेट्स गो। देखो देख रहे हो भाई एक एक बार में भाई चार चार स्लॉट पार कर रहे हैं अपन लोग मेगा रैंप के। ओ तेरी भाई कितना तेज आ रहा हूँ। ऑल राइट आई थिंक दैट वॉज द फास्टेस्ट, लिटरली 5 सेकंड में पूरा मेगा रैम्प टॉप गए भाई। इतना तेज तो फाइटर जेट नहीं जाता है गाइस। देखना अभी अपन लोग को फाइटर जेट से जाने में कम से कम 15 से 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज वी वर ऑन अ बाइक इतना तेज गए फाइटर जेट भी उस स्पीड से नहीं जाता है भाई। ऑल राइट गाइस, आपका फ्रॉस्टी भाई अब फिनिश लाइन के बहुत ही ज्यादा पास आ गया है भाई। लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया है, जो रेस वाले भैया लोग हैं उन लोगों ने डिसाइड किया है कि चलो चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपने को दे दिया ये सड़ी सी गोल्फ कार। एंड कसम खा के बोलता हूँ इससे ज्यादा सड़ी चीज जीटीए में आई डोंट थिंक कोई है भाई। मतलब कि इसका स्पीड चाहे कुछ भी हो, ये गाड़ी भाई सबसे वाहियात गाड़ी में से एक है। इसमें ना कंट्रोल है ना भाई, इसको पता है इसको कहाँ जाना है। ब्रेक मारो तो एक्सीलेटर दबता है, एक्सीलेटर मारो तो ब्रेक दबता है। भैंस की आंख लेफ्ट जाती है राइट जाती है लेफ्ट जाती है। अभी तो ये सही जा रही है, लेकिन देखो मैं इसको सोच रहा था भाई स्लो ले जाने का, लेकिन ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो पलटना शुरू हो गई। देखा मैंने बोला था ना भाई ये गाड़ी किसी की नहीं सुनती है भाई। अब भगवान भरोसे हो तुम, अगर तुम नीचे पहुंच गए ना, सच बोल रहे हो भगवान भरोसे हो। तो भाई मेरे को इन लोगों ने गिरा दिया भाई, क्या बोलूं मैं। अरे दोस्त तुम्हारा दर्द समझता हूं भाई, लेकिन मैं भी सेम दर्द एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ये देखो देख रहे हो कैसे जा रहा हूं मैं। तो भाई लेकिन आप तो एकदम बीच में जा रहे हो, आपका तो हो जाएगा फॉक्ट भाई। अरे तुमको ऐसा लगता है भाई हो जाएगा, मेरे से पूछो मेरी हालत। यार ऊपर का रूफटॉप भी हम लोगों का टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, अभी भी देख रहे हो नीचे जा रहे हैं। ओ गाइस हो सकता है यार, देखो मेरे को उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए लेकिन हो गया। अरे व्हाट द हेल, लगता है मैंने गाड़ी को इतना डांट दिया। गाड़ी भी लाइक रुको अभी तुम्हें बताते हैं हमारी पावर। और गाइस अभी मेरे को पता चला है गोल्फ कार की पावर। यार ये भी इतना नूब नहीं है वैसे, अपन लोग ने फालतू में इसको इतना कुछ सुना दिया। ऑलराइट गाइस फिनिश लाइन अभी तो नहीं मिली, लेकिन लगता है एक दो चेक पॉइंट और है। बट डोंट वरी, तुम्हारे भाई को मिल चुका है यहाँ पर सेंटोर्नो सुपर कार। और गाइस सेंटोर्नो जो है ना वो लिटरली लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो की कॉपी
भी है और सेस्टो एलिमेंटो वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कार्स जो लैम्बोर्गिनी ने भाई डेवलपमेंट में रखी थी। आई थिंक ये बहुत रेयर गाड़ी है, आई डोंट नो कि आप लोगों को दुनिया में कहीं देखते हुए मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो या अपन लोग इसको चला रहे, इसका मतलब है कि बहुत धासु गाड़ी है, लेकिन इसके लक्षण देख के लगता नहीं है भाई इतनी धासु है। देख रहे हो कैसे चल रही है ये फॉर्ट भाई, इतना मटक मटक के जाओगे भाई तो आप मेरे जैसा बार बार बढ़ जाओगे फॉर्ट भाई। अरे इसका अभी तक नहीं हुआ भाई, तू अभी भी गोल्फ कार पे अटका हुआ है क्या? अरे यार इसके लिए बुरा लग रहा है, देखो फिर मर गया बेचारा फॉर्ट भाई। क्या बोलूं यार, आपकी बात लग गई भाई, ये गाड़ी बहुत मनहूस है यार, रेस जीत रहा था, भला खाता यार हरवा दिया इस गाड़ी ने। अरे गाइस थोड़ा सा चॉप नूब इन द चैट हो जाए, मजाक कर रहा हूँ। देखो यार चॉप ने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कभार यार किस्मत में नहीं होता, समझ रहे हो? कहीं कहीं पे यार फ्रॉस्टी भाई की किस्मत साथ दी जाती है या फिर तजुर्बा, जो भी कहना चाहो। एवरीथिंग मैटर्स, नथिंग इज अनफेयर इन लव एंड वॉर, वो बोला जाता है ना, लव एंड वॉर में भाई कुछ भी चलता है। और गाइस अभी फिलहाल लव उफ का तो कोई स्कोप नहीं है, तो वॉर ही कर लेते अपन लोग। ऑलराइट सो लेट्स गो, यहाँ पर फिनिश लाइन एकदम सामने है, नो जोक ऊपर पहुंचना है, फिनिश लाइन एकदम पास में है। तो एक बार चॉप को प्यार की झपकी देते हुए जाते हैं, क्या पता इसका फिनिश हो जाए। तो भाई आपसे प्यार की झपकी नहीं चाहिए, मैं खुद से ले लूंगा भाई। अरे अरे कहां घुसा दिया भाई आपने। गाइस यार चॉप को तो प्यार की झपकी नहीं दे पाया, आप ही लोग इस वीडियो को दे दो भाई लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन लोग चलते हैं फिनिश लाइन की तरफ अगर ये फाइटर जेट जाने देगी तो। बट यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।